कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल पहली बार मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी और कांग्रेस पर जम के निशाना साधा। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ने वाले नेता को गद्दार कहते हैं। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में सिर्फ राहुल गांधी को चिकन सैंडविच देने की चर्चा हुई। कांग्रेस में जातिवादी राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी जब भी गुजरात आते हैं राज्य के एक भी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। कांग्रेस के नेता ये चर्चा करते हैं कि कौन सा चिकन सैंडविच राहुल गांधी को देना है। मैं 2 साल तक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, लेकिन मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसके अलावा बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर हार्दिक पटेल ने कहा कि अभी तक इसको लेकर के कोई फैसला नहीं किया है। तो हार्दिक पटेल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।